वंदे मातरम बच्चों, लर्न मैथमेटिक्स द इजी वे, गणित सीखे आसान तरीके से मैं आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में हमने वृत्त की परिभाषा, वृत्त का क्षेत्रफल एवं वृत्त की परिधि का अध्ययन किया था। हमने वृत्त का क्षेत्रफल एवं वृत्त की परिधि से संबंधित कुछ एक प्रश्नों को हल किया था, जिसमें दो एक दैनिक प्रश्नों का भी समावेश किया गया था। वृत्त की इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम वृत्त का त्रिज्याखंड, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल एवं चाप की लंबाई का अध्ययन करेंगे। आप सभी ने कांच की चूड़ियां तो देखी ही होंगी। कांच की चूड़ी यदि गलती से भी गिर जाए और टूट जाए तो टूटी हुई चूड़ी का प्रत्येक हिस्सा गणितीय भाषा में वृत्त का चाप कहलाता है। एक वृत्त लेते हैं जिसका केंद्र O है। वृत्त की परिधि पर हमने दो बिंदु A और B लिया, तो हम देखते हैं कि बिंदु A और बिंदु B इस वृत्त को दो भागों में, भाग AB और भाग BA में विभक्त करता है। भाग AB और भाग BA इन दोनों भागों में से प्रत्येक भाग वृत्त का चाप कहलाता है। अर्थात हमारे पास यहाँ पर दो चाप प्राप्त होते हैं, वृत्त का चाप AB, ये चिन्ह जो है चाप को दर्शाता है। वृत्त का चाप AB जो कि यहां से यहां तक है, और दूसरा वृत्त का चाप BA, BA वृत्त का चाप। इस प्रकार हम देखते हैं कि वृत्त की परिधि पर स्थित कोई भी दो बिंदु माना A और B इस पूरे वृत्त को दो भागों में विभक्त करता है। अर्थात ये दोनों बिंदु हमें दो चाप, चाप AB और चाप BA प्रदान करते हैं। साथ ही वृत्त का चाप और चाप के छोर बिंदुओं से होकर जाने वाली त्रिज्याओं AO और BO से घिरा क्षेत्र वृत्त का त्रिज्याखंड कहलाता है। मान लीजिए आपके क्लास में आज किसी स्टूडेंट का बर्थडे है और उसने बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए एक बढ़िया सा केक लाया है। कुछ इस प्रकार बर्थडे केक का पहला टुकड़ा वो कुछ इस प्रकार काटेगा। आप देख सकते हैं कि बर्थडे केक का ऊपरी सतह वृत्ताकार है, और जब बर्थडे केक का पहला टुकड़ा काट के निकाला जाएगा तो कटे हुए टुकड़े का ऊपरी सतह वृत्त का त्रिज्याखंड कहलाएगा। अर्थात वो अपने बेस्ट फ्रेंड को जब बर्थडे केक का पहला टुकड़ा खिलाएगा तो गणितीय भाषा में वो कह सकता है कि लो त्रिज्याखंड खाओ। ठीक है, अब एक बार ध्यान से आप लोग देख लें। अब हम वृत्त के चाप की लंबाई और त्रिज्याखंड से घिरा क्षेत्र अर्थात त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्रों को ज्ञात करेंगे। हम देखते हैं कि वृत्त का चाप AB केंद्र पर कोण AOB अंतरित करता है। माना कोण AOB बराबर थीटा। ध्यान दें, गणितीय सवालों को हल करते समय अज्ञात राशि को हम सामान्य तौर पे x लेते हैं। एक से ज्यादा राशि हो तो x और y, और ज्यादा राशि हो तो x, y, z। अर्थात अज्ञात राशियों को ज्ञात करने के लिए हम स्मॉल लेटर के अक्षरों का x, y, z इस प्रकार उपयोग करते हैं। जब बात कोण की आती है तो अज्ञात कोणों को ज्ञात करने के लिए भी हम x, y, z इत्यादि का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन सामान्य तौर पे हम अज्ञात कोण को ज्ञात करने के लिए थीटा का उपयोग करते हैं। अब हम देखते हैं कि वृत्त का चाप AB केंद्र पर कोण AOB बराबर थीटा अंतरित करता है। यदि इस चाप की लंबाई बढ़ा दी जाए, मान लीजिए यहां तक बिंदु B1 तक, तो बढ़ी हुई चाप AB1 केंद्र पर एक बड़ा कोण अंतरित करेगा, मान लीजिए कोण थीटा 1। अब यदि चाप की लंबाई को और थोड़ा बढ़ा दिया जाए बिंदु B2 तक, तो बढ़ी हुई चाप AB2 केंद्र पर एक बड़ा कोण अंतरित करेगी, मान लीजिए कोण
थीटा को। इस प्रकार हम देखते हैं कि जैसे जैसे चाप की लंबाई बढ़ती जाती है तो चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का मान भी बढ़ते जाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि चाप की लंबाई और चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण थीटा दोनों अनुपातिक रूप से बढ़ते हैं। हम लिखते हैं चाप ए बी की लंबाई और थीटा का अनुपात बराबर चाप ए बी वन, ये रहा चाप ए बी, ए बी वन की लंबाई और चाप ए बी वन द्वारा अंतरित कोण थीटा वन बराबर चाप ए बी टू की लंबाई और सॉरी हाँ ठीक है थीटा टू। फिर से देखिए चाप ए बी की लंबाई जैसे जैसे हम बढ़ाते जाते हैं चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का मान भी बढ़ते जाता है। अर्थात चाप और चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण दोनों ही आनुपातिक रूप से बढ़ते जाते हैं, अर्थात इनका अनुपात सदैव एक सा होगा। तब चाप ए बी की लंबाई और थीटा का अनुपात बराबर चाप ए बी वन की लंबाई और कोण थीटा वन का अनुपात बराबर चाप ए बी टू की लंबाई और कोण थीटा टू बराबर, इस प्रकार से यह आगे बढ़ते जाएगी। और बढ़ते 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 जैसे ये चाप पूरे वृत्त में परिवर्तित हो जाएगा तो हम लिखेंगे वृत्त की परिधि चाप की लंबाई बढ़ते बढ़ते पूरे वृत्त में परिवर्तित हो गया, अर्थात पूरे वृत्तीय क्षेत्र को पूरे वृत्तीय क्षेत्र के चारों ओर के घेरे की लंबाई अर्थात वृत्त की परिधि का अनुपात इस पूरे कोण के बराबर, क्योंकि चाप बढ़ते बढ़ते पूरे वृत्त में परिवर्तित हुआ तो थीटा बढ़ते बढ़ते पूरे 360 अंश हो गए, तो वृत्त की परिधि और 360 अंश का अनुपात। इस प्रकार हम देखते हैं कि चाप और चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, चाप और चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, चाप और चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, इनका अनुपात सदैव वृत्त की परिधि और 360 के अनुपात के बराबर होता है। हम लिख सकते हैं चाप AB की लंबाई बटे थीटा बराबर, ये बराबर ये बराबर ये, तो हम सीधा आखिरी में चलते हैं वृत्त की परिधि बटे 360। इस प्रकार हम देखते हैं कि चाप AB की लंबाई बराबर वृत्त की परिधि बटे 360 गुने थीटा, वृत्त की परिधि बटे 360 अंश गुने थीटा। और वृत्त की परिधि आपने पहले ही पढ़ा है 2 पाई आर से दर्शाया जाता है, 2 पाई आर बटे 360 गुने थीटा। हम इसे थोड़ा सा आगे पीछे जमा कर लिख सकते हैं थीटा बटे 360 गुने 2 पाई आर। चाप ए बी की लंबाई, इस प्रकार हम देखते हैं कि यदि वृत्त की चाप ए बी केंद्र पर कोण AOB बराबर थीटा अंतरित करें तो चाप की लंबाई बराबर थीटा बटे 360 गुणित वृत्त की परिधि 2 पाई आर, जहां आर वृत्त की त्रिज्या है।
हम देखते हैं कि यदि चाप के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का मान दिया हो और वृत्त की त्रिज्या का मान दिया हो तो थीटा आर और पाई बराबर 22/7 रखकर हम उस चाप की लंबाई को ज्ञात कर सकते हैं। एक बार आप ध्यान से देख लें। अब हम वृत्त के त्रिज्याखंड एओबी का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र को ज्ञात करेंगे। वृत्त का चाप एबी और चाप एबी के छोर बिंदुओं से होकर जाने वाली त्रिज्याओं से घिरे क्षेत्र को वृत्त का त्रिज्याखंड कहते हैं। इस त्रिज्याखंड से घिरा हुआ क्षेत्र वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्र कहलाएगा, अर्थात इस क्षेत्र का गणितीय मान संख्यात्मक रूप में त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कहलाएगा। अब हम चाप एबी की लंबाई को यदि बढ़ाते हैं और हमें बढ़ी हुई चाप AB1 प्राप्त होती है तो हम देखते हैं कि बढ़ी हुई चाप AB1 के छोर बिंदुओं से होकर जाने वाली त्रिज्याएं AO और B1O और साथ ही चाप AB1 ये तीनों मिलकर एक बड़ी त्रिज्याखंड का निर्माण करते हैं। पुनः हम इस चाप की लंबाई को और आगे बढ़ाएं और यदि हमें बढ़ी हुई चाप AB2 प्राप्त होती है तो बढ़ी हुई चाप AB2 और चाप के छोर बिंदुओं से होकर जाने वाली त्रिज्याएं एक बड़ी त्रिज्याखंड AOB2 हमें प्रदान करती है। यदि इस चाप की लंबाई और बढ़ाई जाए बिंदु B3 तक तो हम देखते हैं कि बढ़ी हुई चाप AB3 और चाप के छोर बिंदुओं से होकर जाने वाली त्रिज्याएं AO और B3O हमें एक बड़ा त्रिज्याखंड देती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम चाप की लंबाई को बढ़ाते जाते हैं तो इसके साथ साथ हमें बढ़ी हुई वृत्त का त्रिज्याखंड प्राप्त होती है, ठीक है। और साथ ही साथ हम जानते हैं कि चाप की लंबाई के बढ़ने के साथ साथ थीटा का मान भी बढ़ता है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बढ़ते जाता है त्रिज्याखंड का कोण या यूं कहें कि त्रिज्याखंड के चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का मान भी बढ़ते जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे वृत्त के चाप की लंबाई बढ़ते जाती है वैसे वैसे हमें चाप के संगत में बढ़ी हुई त्रिज्याखंड प्राप्त होता है और साथ ही साथ हमें त्रिज्याखंड का कोण भी बढ़ते हुए प्राप्त होता है, अर्थात त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल और त्रिज्याखंड का कोण दोनों ही आनुपातिक रूप से बढ़ते जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हमने पहले देखा कि चाप की लंबाई और कोण आनुपातिक रूप से बढ़ते जाते हैं, इस स्थिति में हम लिखते हैं त्रिज्या खंड एओबी का क्षेत्रफल और कोण थीटा का अनुपात बराबर त्रिज्या खंड AOB1, ये रहा AOB1 का क्षेत्रफल और कोण थीटा 1 का अनुपात बराबर त्रिज्या खंड AOB2 का क्षेत्रफल और थीटा 3 का अनुपात बराबर करते करते जब ये त्रिज्याखंड चाप जैसे जैसे बढ़ते जाए और पूरे वृत्त में परिवर्तित हो जाए तो त्रिज्याखंड का आकार भी बढ़ते बढ़ते पूरे वृत्तीय क्षेत्र में परिवर्तित हो जाएगा। तो हम लिखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल बटे 360 अंश। फिर से ध्यान देंगे, जैसे जैसे चाप की लंबाई बढ़ते जाती है चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का मान भी बढ़ते जाता है और साथ ही साथ बढ़ती हुई चाप के साथ साथ इस चाप के संगत त्रिज्याखंड
इस चाप के संगत त्रिज्याखंड, इस चाप के संगत त्रिज्याखंड, इस प्रकार से त्रिज्याखंड भी बढ़ते जाते हैं, अर्थात त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बढ़ते जाता है। इस प्रकार त्रिज्याखंड AOB का क्षेत्रफल और कोण थीटा का मान दोनों का अनुपात बराबर होगा। त्रिज्याखंड AOB1 का क्षेत्रफल और थीटा वन का अनुपात, फिर क्षेत्रफल AOB2 और थीटा टू का अनुपात, लिखने में कुछ गलती हो गया। इस प्रकार बढ़ते बढ़ते जब चाप पूरा वृत्त में परिवर्तित हो जाए तो ये त्रिज्याखंड और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा, ऐसे करते करते ये भी पूरे वृत्ति क्षेत्र में परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए हम अंत में लिखेंगे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल के बजाय पूरे वृत्त का क्षेत्रफल बटे थीटा का मान भी बढ़ते बढ़ते पूरा 360 अंश हो जाएगा। इस प्रकार त्रिज्याखंड एओबी का क्षेत्रफल बटे थीटा बराबर, आखिरी वाले अनुपात को लेते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल बटे 360 अंश, अर्थात त्रिज्या खंड AOB का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल बटे 360 अंश गुने थीटा। हम यदि जमा कर लिखना चाहें तो थीटा बटे 360 गुणित वृत्त का क्षेत्रफल या थीटा बटे 360 गुणित वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर की घात 2, अर्थात त्रिज्याखंड AOB का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 गुणित पाई आर की घात 2। इस प्रकार हम देखते हैं कि यदि वृत्त का त्रिज्याखंड AOB हो और त्रिज्याखंड के चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण थीटा हो, अर्थात त्रिज्याखंड का कोण थीटा हो, तो यदि थीटा का मान और वृत्त की त्रिज्या r का मान हमें ज्ञात हो तो हम पाई बराबर 22/7 अथवा 3.14 रखकर, साथ ही इन दोनों मानों को रखकर त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि वृत्त के चाप की लंबाई और वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हम बड़े ही आसानी से थीटा बटे 360 को यदि 2πr से गुणा करें तो चाप की लंबाई और पाई आर की घात 2 से गुणा करें तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं।